जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आओ साध संग जी, आप अज अपना यह विचार करिए किस तरह एक यतीम बच्चा लाहौर का जिसके माँ प्यो गुजर गए होन वो किस तरह चौथा गुरु नानक के चौथी गद्दी से बैठा किस तरह रामदास बनया गुरमुख। यहाँ नाम पहले जी इन्हों का नाम जेठा जी सर, रामदास जी नानी ने रखे इन्ह का नाम। तो ये लाहौर के सब तो अपने फैमिली के बड़े लड़के सन। जो वे लड़के सी तो इन्हों माता पिता गुजर गए, तो माता पिता गुजर गए तो उत्थे कुछ नहीं सी कमान खान नो। नानी इन्हों फिर बसर के लै आई, बसर के लै आई तो बच्चे ने कहा बच्चा तू अपने पैरों से खड़ा हो, सानू मैं घुगुनियाँ बना दा करांगी कणक दियां, तू वो बेच के तो अपने पैसे इकट्ठे कर, कट्ठे करदा करदा फिर अपना कोई व्यापार कर कोई दूसरा कर, ता जे अपने तू पुत्र यतीम आ पैरों ते खड़े होएगा ताइयों तेरा विआह होएगा गा, ताइयों तेरा कारोबार बधेगा। ये सुन के नानी ने घुगुनियाँ बना देनिया, इन्हें बेचना शुरू कर देनिया। मगर ऐसे प्रेम ना घुगुनियाँ बेचते होंगे सी, कहते घुगुनियाँ खा लो नाम जपा लो, घुगुनियाँ खा लो अपने अंदर नाम बिठा लो, ऐसे प्रेम न बोलते होंगे सी। जिन्हें नहीं भी घुगुनियाँ खानी होंगे सी वह भी लैके खा लेता भी ये यतीम बच्चा किन्ने प्रेम ना बोल रहा, किन्ने प्रेम ना गल कर रहा। गुरमुख पिछले जन्म की कमाई सी, वह कमाई अंदर सी नाम बाणी की, तो इस करके सारे ये वाल अट्रैक्ट होते। एक बार संगत उतों बासर के तो गोविंदवाल जान लग पी, गुरु अमरदास जी की सेवा बाउली साहब की शुरू हुई सी, उसकी सेवा करने वाल। यह भी इन्हें भी अपने नानी जी ने कहा महाराज मैं भी जाना आ, इन्हें भी भेज दिता। ये चूंकि जतीम बच्चा सी सारी संगत तो पिछे, सारी संगत ने पिछे कर दिता, तो ये छैने भी नहीं सी, अपनी जुत्तियाँ लैके उ बजाते रहे, उ बजा के पिछे पिछे वह बजाते रहे। जाके जैसे पहुँचे उत्थे गुरु अमरदास जी दर्शन किए तो बड़े निहाल होए, क्योंकि गुरु महाराज बाकी संगत दर्शन करके आ गई, ये उत्थे ही रह गए, गुरु अमरदास जी सेवा च ही जुट गए। गुरमुखो उत्थे फिर गोविंदवाल ने सेवा करके इन्नी कमाई की कि बीबी भानी जवान हो गई सी, तो उस वेले उन्होंने घर वाली गुरु अमरदास जी के घरों माता जी कहन लगे कि बीबी भानी जवान हो गई आ, इहदा कोई रिश्ता लभी है कोई, तो कहिंदे किस तरह का लभना, किस तरह लड़का होए, जिस तरह का रामदास आ जेठा जी आ। वो कहन लगे गुरु अमरदास जी प्रेम ना कहन लगे पर ये लोग के रामदास ते रामदास वर्गा कोई होर है ही नहीं, कोई जमया ही नहीं अजे इस वक्त, इस करके आप क्यों ना ये नाली शादी कर लीए। बीबी जी बन गए, बीबी भानी का रिश्ता रामदास जी ने करता, वो अपने सारे घर के कहते हैं उत्थे कर ला पे सेवा बौली की से बौली उसले जाते सिख जाते पानी लैन वास्ते हिंदुआ तक तो उन्होंने पिछले छोड़ देंगे, तू सा धर्म मान नहीं कोई नहीं साढ़ा खूह पुट दोगे, तुम मुसलमान का खूह जाते थे वह भी कहते तुम धर्म ना नहीं थोड़ा कोई, तुम किसी मानते ही नहीं, तुम तो एक गुरु को मानने जाते हो बैठा जा जरा है, तो ये भी उन्होंने मिहने मारते थे, वो आ गुरु साहब के को आते रोंदते होंगे सी महाराज पानी कितों देना, जोड़े मिहने मारते साढ़े को सुने नहीं जाते। गुरु साहब कहते भी अपना खूह खोद लो, फिर कहते बौली साहब आ बौली साहब खोदो इतने पानी निकलेगा तो आपे अपना तुम भर के खप पियोगे। बौली साहब खोदन लग पी, खोदे गए उत्थे सेवा करते रहे, तो जो बौली साहब सेवा कर रहे थे उदों अपना रामदास जी बच्चे सन, तो उस अपना टोपी टोने होंगे सी अपना जवान से जो होए तो टोपी टो रहे थे, तो अपना उन्होंने कपड़े लिबड़े हुए थे सारे, तो बीबी पानी का रिश्ता करना सी, तो गुरु रामदास जी अमरदास जी ने कहा अगर उन्होंने घरों बीबी पानी जवान हो गई आ इसका रिश्ता करो, तो कहते किस तरह लड़का चाहिए, जिस तरह का बाबा जेठा आ जिस तरह भाई जेठा आ प्रेमी आदमी जरा लाहौर का जरा, तो कहते जतीम बच्चा भगवा जतीम बच्चा पर वो है बड़ा होनहार बड़ा लायक है,
उन्हें शादी करती, शादी करती तो हूँ हूँ उत्थे कुड़मां दे घर रहन लग पे, उत्थे सेवा करन लग पे, अपना सहुरे घर तो सहुरे घर सेवा करके तो अपना लाहौर दे उन्होंने उच्च कोटि जाति दे खत्री रामदास जी नूं मिलन आए उत्थे अपने बच्चे नूं, तो वह देखिया कि टोकरी ढो रहे हैं, तो गुरु अमरदास जी गल पै गए तुसीं जवाई नूं घर रख के लग मिट्टी की टोकरी ढोनी आ, तो वह मतलब ताज चलता पिया, ये सिर ते इन्हां दे ताज चुग लिया, सारी दुनिया दे ताज दे अगे निभण गए, सारी दुनिया जिहड़ी बिलकरी आ दुख दर्द चुकना, ये टोकरी नहीं ये दुनिया ताज आ, सारे जिहड़े गरीबन से जिहड़े दुख दर्द दूर करने वाली टोकरी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।